बायोएनर्जेटिक्स को हम पढ़े थे, और बायोएनर्जेटिक्स के अंदर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस को देखा था। एक रीकैप ले लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर को, और उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट को देखा था, हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा था, और डिफरेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिटेल में देख लिया था, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद हमने थायलाकोइड की बात की थी, जो कि क्लोरोप्लास्ट का ही एक स्ट्रक्चर है, और वो क्या क्या उसकी फंक्शनैलिटी है वो देखा था हमने। उसके बाद हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जब बात कर रहे थे, तो हमने लाइट को डिस्कस किया था, डिफरेंट लाइट की जो हमारे पास वेवलेंथ्स होती हैं जो कि अब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की टाइप्स की हमने बात की थी, क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पिगमेंट्स को ही मजीद डिटेल में देखेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल और एक को हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफिल के साथ। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप थी उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, सेकेंड जो है उसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, आज जो भी हम स्टार्ट लेंगे वो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्लोरोफिल को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फोर मेजर कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। प्लांट्स के अंदर जो मेजरली पाया जाता है वो हमारे पास दो क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मोस्टली यूकैरियोटिक जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं या एलजी है या इनके अंदर जो है वो ये दो, ये वाली टाइप्स में क्लोरोफिल की पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे पास क्लोरोफिल्स होते हैं थोड़ा डिफरेंट, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। ये वो क्लोरोफिल्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल को हमने कहा था कि ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, तो लाइट की कौन से शेड्स हैं या कौन से लाइट, कौन सी टाइप की वेवलेंथ है जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं? तो लाइट में हमारे पास वॉयलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, ऑरेंज प्लस रेड, ये दो टाइप्स हैं लाइट की जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हमने क्लोरोफिल की देखी थी, तो हमने कहा था ए और बी टाइप्स हैं। इसी तरह वॉयलेट ब्लू जो है वो एक टाइप एब्जॉर्ब करती है, इसी तरह ऑरेंज रेड जो है वो क्लोरोफिल की दूसरी टाइप है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से हमारे पास ये कलर्स की जो रेंज है ये प्लांट के अंदर विजिबल नहीं होती। हमने जब कलर्स की बात की थी, तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर क्यों विजिबल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो मेजर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल जो है वो इन लाइट्स को यानी वॉयलेट ब्लू ऑरेंज और रेड इन तरह की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि ग्रीन कलर को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो कलर प्लांट्स रिफ्लेक्ट करते हैं वही कलर प्लांट्स के ऊपर नज़र आते हैं। अच्छा, ये तो हमने जनरल डिस्कशन कर ली, इसके बाद हम आ जाते हैं क्लोरोफिल के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं हेड रीजन और दूसरे को हम कहते हैं टेल रीजन। ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, और हमने कहा कि हम इसको दो, इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं हेड रीजन और दूसरा है हमारे पास टेल रीजन। ठीक है, हेड और टेल में क्या डिफरेंस है? हेड जो है वो हमारे पास एक फ्लैट हाइड्रोफिलिक हेड होता है, फ्लैट हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो हमारे पास लॉन्ग होती है, एंकरिंग होती है, और वो हाइड्रोफोबिक होती है, लॉन्ग एंकरिंग एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ भी चुके हैं। इसको अगर हम अलग अलग पढ़ना चाहें, अगर हम हेड रीजन को देख लें, तो हेड जो है क्लोरोफिल के अंदर वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और इसको हम कहते हैं, ये है पोरफिरिन रिंग। क्या हमने कहा कि एक तो ये कि ये कम्प्लेक्स
सब्सटेंस है, ठीक है, और ये पोरफिरिन रिंग कहलाता है। इस पोरफिरिन रिंग में होता क्या है कि हमारे पास फोर डिफरेंट पायरोल रिंग्स जो हैं वो ज्वाइन हुए हुए होते हैं, पायरोल रिंग्स, ठीक है, फोर डिफरेंट पायरोल रिंग्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं, और इसके दरमियान में हमारे पास एक मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम है और इसके साइड पे इस तरह से ये फोर नाइट्रोजन बन गई, और अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन बना हुआ है यहाँ पे हमारे पास रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह हम इसको बनाना चाहें तो ये कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे, हर इसके साथ भी और इसके साथ भी यहाँ पे हमारे पास रिंग बन जाएंगे। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है, हम इसको देख लेते हैं ताकि हम उसको सही से समझ सकें। अच्छा, ये आपको एक कम्प्लेक्सी डायग्राम नज़र आ रही है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर हम क्लोरोफिल को जब देखना चाहें, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ये वाला जो हमें रिंग नज़र आ रहा है, ये हम हेड रीजन की जहाँ बात कर रहे थे ना, ये हेड रीजन है, और इसके अलावा ये जो नीचे है ये टेल रीजन, ठीक है, इसको हम बल्कि यहाँ पर मैंशन कर देते हैं। ये जो है ये हमारे पास है हेड, और ये जो रीजन है पूरा का पूरा इसको हम कहते हैं ये है टेल, ठीक है। हेड जैसे कि मैंने कहा कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यहाँ पे दरमियान में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साइड पे हमारे पास फोर रिंग्स हैं जिसे हमने कहा था कि ये हमारे पास है पायरोल रिंग। कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल के दरमियान में जो मैग्नीशियम प्रेजेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट के कलर के लिए भी, और प्लांट के अपनी क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से भी। यही वजह है कि प्लांट्स के अंदर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम कहते हैं कि क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि प्लांट का जो कलर है वो येलो होता जाएगा। अच्छा, जब हम ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं ना, ह्यूमन ब्लड के अंदर भी हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, ये जो हेड रीजन हम देख रहे हैं इसकी तरह का होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, वहाँ पर हमारे पास आयरन होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें, ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें ढेर सारे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तो जब हम इन सबको इकट्ठा करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस किस्म का होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, ठीक है, यानी एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम के साइड पे चार नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हमारे पास 5 ऑक्सीजन, 72 हाइड्रोजन और 55 कार्बन है। ये हमारे पास आ गया क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। जब हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी के अंदर। यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें आपको CH3 ग्रुप नज़र आ रहा है। CH3 जो है इसे हम कहते हैं ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। क्लोरोफिल ए के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और क्लोरोफिल बी के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, जिसे CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये डिफरेंट होगा दोनों क्लोरोफिल के अंदर। और इन दोनों के डिफरेंट होने की वजह से होगा क्या, होता ये है कि डिफरेंट तरह की लाइट जो है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए जो है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है, ये येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे पास ब्लू ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन लाइट को, यानी कि ग्रीन कलर इसने हर केस में रिफ्लेक्ट बैक करना है। अगर हम इसकी अबंडेंस की बात करें, क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे पास क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पाया जाता, बट इट इज़ प्रेजेंट क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए जो है दिस इज़ अबंडेंट, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है
और जब हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए इट्सेल्फ जो है ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी डिफरेंट तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्जांपल रेड के शेड्स की जब हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए जो है वो 670, 680, 690, 700 इस तरह से हमारे पास नैनोमीटर्स में ये हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल ए होते हैं और वो डिफरेंट तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए के साथ साथ पाए जाते हैं और क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू ग्रीन जो हमारे पास ब्लू या इंडिगो के शेड्स हैं ये उस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करती है जो कि लोअर हमारे पास वेवलेंथ की लाइट होती हैं, जैसे कि 380 से लेके आगे ऑनवर्ड्स इनकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ चलती जाती हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लोरोफिल जो होते हैं ये इंसोल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और ये वैसे भी एक जनरल सी बात है, क्लोरोफिल अगर पानी के अंदर सोल्युबल होने लग जाएं तो क्या हो के प्लांट के अंदर जो वाटर होता है या उसका सैप होता है, सेट ऑफ सैप जिसे बोलते हैं, प्लांट के अंदर जो पूरा का पूरा पानी का सिलसिला चलता आ रहा है, तो अगर ये सोल्युबल हों तो ये तो उसके अंदर ही डिजॉल्व होते जाएँ, ठीक है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल हैं ये इंसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये उनके अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं या डिसॉल्व हो सकते हैं। सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास होता है CCl4, या फिर हमारे पास अल्कोहल टाइप सॉल्यूशंस होते हैं C2H5OH, इस तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर ये एब्जॉर्ब या डिसॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कैरोटीनॉइड के ऊपर। कैरोटीनॉइड्स जैसे कि हमने बात की कि दूसरी टाइप है हमारे पास पिगमेंट्स की, कैरोटीनॉइड। और ये कौन से, ये वो पिगमेंट्स हैं बेसिकली जो कि एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइट्स को, जिसमें येलो रेड और ऑरेंज के शेड आ जाते हैं, येलो रेड एंड ऑरेंज, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए इनको हाई एनर्जी वेव्स चाहिए होती हैं, जैसे कि ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है। ये वाले जो शेड्स हैं ये कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी वजह से जो कलर है प्लांट के अंदर येलो रेड और ऑरेंज कलर, ये उस वक्त प्रोमिनेंट हो जाता है जब प्लांट्स के अंदर कैरोटीनॉइड जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स का जो फंक्शन है वो कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता है, यानी हम कह सकते हैं कि साइड बाय साइड चलते हैं ये दोनों, साइड बाय साइड इस तरह से चलते हैं कि काम क्लोरोफिल का भी यही है कि उसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है, कैरोटीनॉइड्स का भी यही है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना है। होता यह है कि क्लोरोफिल जो है वो डायरेक्टली उसी लाइट को एब्जॉर्ब करती है जो उसको चाहिए होती है, जबकि कैरोटीनॉइड जो है वो डिफरेंट शेड्स को, यानी कि जैसे मैंने बात की ना ब्लू वॉयलेट या इंडिगो की, तो ये वो वाले शेड्स हैं जिनके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो ब्लू इंडिगो वॉयलेट जो है इनकी वेवलेंथ रिलेटिवली कम होती है, यानी कि हमारे पास 380 से लेके ऑनवर्ड्स जो हमारे चलती जाती है वेवलेंथ जो कि आती है तकरीबन हमारे पास 480 तक, तो ये वो वेवलेंथ है जिसके अंदर वेव की तो लेंथ कम है बट जिस वेव की लेंथ कम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये हम जानते हैं। तो इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए इनके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो हाई एनर्जी वेव्स हैं या हाई एनर्जी लाइट रेज हैं, कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं कि ये इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे जाके क्लोरोफिल के अंदर। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ये कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, सबसे पहले तो कैरोटीनॉइड्स ने किया, कैरोटीनॉइड्स इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इन्होंने उस एनर्जी को भेज दिया आगे जाके क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी, ठीक है। और क्लोरोफिल बी क्या करता है, ये उस एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरोफिल ए के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी जो है वह ट्रांसफ़र हो जाती है क्लोरोफिल ए के अंदर और आगे जाके वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है प्लांट के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो कैरोटीनॉइड्स की है वो ये है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरह से हो रही होती है, प्रोटेक्शन इस तरह से होती है कि जैसे कि हमने कहा कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब ये हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे करते हैं हम स्टेप्स में लिख देते हैं कि पहला काम तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने एब्जॉर्ब कर दिया हाई एनर्जी को
और जब ये हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि इन्होंने किस तरह की या कितनी एनर्जी को रखना है, और बाकी को ये डिसिपेट कर देते हैं, यानी ज़ाया कर देते हैं। डिसिपेट एक्सेसिव एक्सेसिव लाइट एनर्जी, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा जो इसके इनके पास लाइट एनर्जी आ जाती है ये उसको डिसिपेट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी ही क्लोरोफिल के पास ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमने देख लिया कैरोटीनॉइड्स को। यहीं पे एंड करेंगे अपने इस लेक्चर को, थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जब बात की तो हमने देखा कि दो तरह के पिगमेंट है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल के अंदर फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, क्लोरोफिल ए बी सी और डी। क्लोरोफिल्स का हमने जब स्ट्रक्चर देखा केमिकली तो हमने कहा कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स हैं, एक हेड और एक टेल रीजन। हेड के अंदर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हेड जो है एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और वो पोरफिरिन रिंग में से पे मुश्तमिल होता है। पोरफिरिन रिंग के अंदर हमारे पास एक मैग्नीशियम होता है और उसके साइड पे फोर नाइट्रोजन के हमारे पास रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पाइरोल रिंग्स। फिर इसके बाद हमने इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखा और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए और बी के अंदर। डिफरेंस जो है हमने कहा कि एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिथाइल कहलाता है, क्लोरोफिल बी के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम कार्बोनाइल कहते हैं। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का डिस्कस किया। सॉरी, क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। क्लोरोफिल बी के अंदर ये होता है कि जैसे कि हमने बात की ना क्लोरोफिल ए सी 55H72O5N4Mg, इसी तरह क्लोरोफिल बी के अंदर डिफरेंस जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आता है, C55H70O6N4Mg, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है क्लोरोफिल बी का, क्लोरोफिल बी, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नंबरिंग में आ रहा है, अदरवाइज़ बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो इसका उसी तरह से। अच्छा, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने कहा कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं उनका क्या काम है, वो कौन कौन सी टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और उसके बाद हमने कैरोटीनॉइड के फंक्शन को देख लिया या उसके काम को देख लिया कि वो क्या करते हैं प्लांट के अंदर। ये तो हमने एंड कर लिया आज का टॉपिक जो कि था पिगमेंट्स के बारे में। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोल देखेंगे लाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के अंदर।